तो गाइज हमजा भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 में क्या फर्क है। भाई की इंग्लिश थोड़ा मेरे गेम प्ले की तरह इधर उधर हो गई है, तो उसको एडजस्ट कर लेना। पहली बात तो यार मैंने उस दिन बोला था कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो यार इन्होंने साइंस का ही क्वेश्चन पूछ लिया। वो मैं थोड़ा अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए बोला था, बाकी मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मुझे इसका जवाब पता नहीं तो मैं बात घुमा रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं सही सोच रहे हो, मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी फर्क नहीं इनमें। बस केमिस्ट्री फॉर्म में है CO2, उसको केमिस्ट्री में CO2 बोलते हैं। बाकी ज़्यादा लेक्चर दे दूंगा तो भाई लोंडे बोर हो जाएंगे। और अगर मेरा आंसर गलत है तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, इसमें सारी गलती गूगल वालों की है, क्योंकि मैंने आंसर वहीं से देख के दिया है। खैर गाइस अब हम अपने गेम पे आते हैं। अभी भाई साहब हमने 2 बोट मारे हैं, बंदों की किल चुराए हैं मतलब। और भाई साहब अब वो सारे बंदे गासे गमला बोलकर हाथ से हमला करने आ रहे हैं। लेकिन गाइस इनको अभी ये नहीं पता हम पुराने वाले जेवल नहीं रहे, अब तो उससे भी बड़े नूब हैं, ऐसा हमारे टीममेट्स को लगता है। लेकिन आज हमने उसको अपने साथ नहीं लिया है, मतलब उसने हमको नहीं लिया है। बात तो एक ही है ना कि नहीं है? अरे होगी, बात एक ही होगी। खैर छोड़ो, चाहे एक हो चाहे पांच हो, नीचे बहुत सारे बंदे आ रहे हो। भाई साहब हमने मौली किया लेकिन कोई जला नहीं, और भाई हमने प्री फायर दिया उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और गाइस 2 बंदे हम पे रस कर दिए, लेकिन यार इन भाई साहब को यहाँ पे छोड़ दिया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी अपने साथ, पता नहीं क्यों नहीं लेके गए, लगता है गाली गलौज हो गई है आपस में। और गाइस मैंने विंडो से एक बंदा स्पॉट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे प्री फायर दिया और भाई साहब तुक्का लग गया। नहीं नहीं गाइस मैंने IQ लगा के प्री फायर दिया है, और अब भाई मेरी HP डाउन हो गई थी और लास्ट बंदा बचा था, लास्ट क्या 2 बंदे थे। मैं भाई सोचता हूँ आराम से हीलिंग लगा लेता हूँ, लेकिन भाई साहब उसने नेट डाल दिया यार। मैं कहा यहाँ से निकल लेते, नहीं तो लॉबी निकलना पड़ सकता है। और भाई इसी के साथ 3 बंदे नॉक हो जाते हैं, लेकिन गाइज इनका 4th बंदा यहाँ पे था ही नहीं। और भाई साहब दुनिया में जो चीज़ ऑनलाइन खाने वाली होती है वो होती है गाली, और भाई इनका 4 नंबर जो बंदा होगा वो खा रहा है। भाई साहब इनका जो 3रा बंदा था ये अगर चाहता तो मेरे को मार देता, लेकिन वो कहावत है ना, क्रश की बेस्ट फ्रेंड हमेशा काम बिगाड़ती है, ठीक उसी तरह भाई साहब इसके जो 2 नॉक बंदे थे ना उन्होंने काम बिगाड़ा है इसका। और भाई साहब इन 3 को नॉक करने के बाद मुझे पता नहीं एक बात का कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इस बात की है कि मैं प्रो हो गया कि यही लोग नूब थे यार, लगता है मैं ही प्रो हो गया। अब गाइस हम सोचते हैं इन 3 को इकट्ठा करके इमोट करते हैं, लेकिन गाइस हमारा इमोट शुरू होके खत्म होने से पहले इसमें एक बंदा खत्म हो गया। तो गाइस यार इनको ट्रोल करने में हमको तो कुछ मजा आया नहीं, तो आपको क्या खाक आएगा। इसलिए भाई साहब हम वहाँ से बग्गी लेके निकल लेते हैं, और भाई साहब हमारे कुल 9 किल हो गए हैं। रास्ते में 2-4 बोट मिल गए थे, उनको हमने वेरीफाई किया है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं बंदे से ज्यादा बोट मारता हूँ। बंदे मैंने कुल 3 मारे हैं और बोट 6 मारे हैं, मतलब ज्यादातर मेरी हॉट लॉबी ही लगती है, कॉन्करर वगैरह। खैर छोड़ो यार, हम अभी बोर हो रहे थे तो हम भाई स्टंट करने लगते हैं। अब भाई साहब हम स्टंट में भी बोर होने लगे थे, तो भाई साहब हम स्विच करके यार फायर करने लगते हैं। तभी यार देखते हैं पीछे एक और बग्गी आ गई और उसमें 2 बंदे हैं भाई। अब गाइस मतलब समझ रहे हो ना, लॉबी जाना नहीं है, भेजना है इनको। आप लोग यार हमेशा नकारात्मक सोचते हो, थोड़ा हकारात्मक सोचा करो। खैर छोड़ो यार, हम सोचते हैं कि यार थोड़ा लॉन्ग रेंज फाइट लिया जाए। नहीं नहीं शौक से नहीं लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे, वो हमारी मजबूरी है। अगर यार क्लोज रेंज गए तो यार दोनों एक साथ आके हमको मार देंगे। अब भाई साहब दोनों हमको देखने के बाद ऐसा फायर करते हैं कि क्या बताएं। और भाई साहब ऐसा फायर करते हैं कि इनको लगता है हम एक ही बार में लॉबी चले जाएंगे। इनको ये नहीं पता अभी अभी हम क्लच करके आ रहे हैं 1v3 का। और मेन बात दोनों के पास स्नाइपर गन है, एक के पास तो M24 और दूसरे के पास पता नहीं कौन सी गन है, AWM है, पता चल गया। वो मैं गन जानने के लिए देख रहा था, लेकिन खैर छोड़ो, अगली बार से टीममेट के साथ खेलेंगे। तो गाइस अब हम खेल ले अपने टीम के साथ। और भाई साहब इन्होंने ऐसी हवा में बातें बोली है ना, हम कहे भाई साहब चिकन डिनर तो आज ही होगा और इसी मैच में होगा। और भाई साहब इनकी बातें सुनकर हमारा कॉन्फिडेंस भाई साहब आसमान फाड़ चुका था। फिर भाई हमने सोचा कि यार अब तो अंधारस करेंगे, और तभी हमको सामने गाड़ी दिख जाती है, और भाई साहब इन्होंने यहाँ पे गाड़ी रोक दी। हम कहे लॉन्ग रेंज फाइट नहीं लेनी, अभी अभी हम लॉबी से जाके आए हैं। फिर हम जाते हैं उनके पास, मतलब क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए, और भाई साहब वो निकल लेते हैं सीधा स्कूल। और गाइज हम भी करते हैं अंधारस, कहे कि भाई हमारी फुल स्क्वाड थी, और भाई साहब इनकी बातें सुनकर हमको अंधारस करना पड़ा। अब गाइज देखो हमारी स्क्वाड का क्लच, इनको हमने ही ट्रेनिंग दी है। हमने नहीं दी गाइज ट्रेनिंग, हमने नहीं दी, ये रेंडम टीममेट है, हम नहीं जानते। बे हमको तो लगा चिकन हो गया, साले top 10 में भी नहीं आ पाए। तो गाइज हमने दूसरा मैच स्टार्ट किया उसी समय, और भाई साहब हमने लगवाया डुओ मैच, क्योंकि यार हम क्लच करवा के थक चुके थे। तो गाइज अब हम पोचिंग की खाली करके जा रहे हैं। नहीं नहीं आप हमारे किल पर मत जाइए, वो यहाँ पे कोई आया नहीं था, तो 2 बोट मार के जा रहे हैं। और भाई साहब हमको डुओ में एक कन्फ्यूजन है यार, डुओ में 50 बंदे आते हैं क्या, इतनी जल्दी यार 30 बंदे कैसे बचे, हमारे अभी 2 ही किल हुए। खैर छोड़ो, लगता है 50 ही आते हैं।
तो यार गाइस बंदे तो मिले नहीं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी मिल गई तो हम इसको बदल लेते हैं, क्योंकि यार बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए बदलाव के कारण हम बार बार लॉबी आते जाते रहते हैं। बाकी और कोई खास रीजन है नहीं, वो जिस दिन पता चलेगा हम बता देंगे आपको। तो यार गाइस बंदे बचे हैं 28 से 8 और हमारे किल हो गए हैं 2 से 5। टाइम नहीं बता रहे वो, हम बंदे बता रहे हैं कितने मारे हमने और कितने बचे हैं, और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इतने ज्यादा किल हमारे पास आए कैसे। 3 किल। देखो यार जैसे बैंक में पैसा ज्यादा हो जाता है तो हमको बताना पड़ता है कि इतना पैसा कहाँ से आया, उसी तरह हमको अपना किल भी बताना पड़ता है इतना ज्यादा किल आया कहाँ से। तो देखो 2 किल हमारे पहले से थे, वो भी हमने बोट मारे थे। ध्यान से सुनो, 2025 में ये क्वेश्चन UPSC में आया था। हाँ तो सुनो, 3रा किल हमने बोट ही मारा था गाड़ी से, और 4था किल टीममेट का चुराया है, वो भी बोट का ही है। अब आप लोग सोच रहेंगे यार तेरे लॉबी में बोट ही है क्या? नहीं नहीं सुनो, अभी देखो 5वां बंदा हमने मारा है, बहुत हार्ड प्लेयर था गोल्ड का, बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी हमारी और उसकी, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसको मार दिया कैंप करके। और गाइस देखो अब मैं तुमको कॉन्करर लेवल का मतलब 1v1 फाइट दिखाता हूँ मैं अपनी। और गाइस ये कॉन्करर का था तो मैं अपने टीममेट को मना कर देता, मैं कहा भाई तू मत मार, तू नॉक हो सकता है। अब देखो गाइस स्प्रे मेरा, देखा फुल 6x मैंने खड़े खड़े मारा, वो भी 0 रिकॉइल, देखो फुल 6x। और भाई साहब अब कुल बंदे बचे थे 3, और गाइज हमको शक हुआ कि हो ना हो एक बंदा इसी के अंदर होगा, क्योंकि यार बोट लॉबी लगी मतलब कॉन्करर लॉबी लगी तो कॉन्करर में कैंपिंग होती है। आप लोग भले ना करते होंगे लेकिन हम जरूर करते हैं, लेकिन हम तो अभी कॉन्करर गए भी नहीं फिर भी करते हैं। और गाइज हम यहाँ पे मस्त फ्री फायर देते हैं लेकिन यार कोई मिलता ही नहीं यहाँ पे। तो गाइज अभी भी 3 बंदे बाकी और हमको बहुत ही शिद्दत से ढूंढना पड़ेगा उनको, क्योंकि यार KD और चिकन डिनर का सवाल है, और सामने से किसी ने किसी को मारा। हाँ मतलब एक बंदा भी उधर है सामने, उसने पेटी बनाई है। अब भाई साहब हमारा चिकन कंफर्म। अरे गाइज इसको ट्रोल करने का हमारा मन कर रहा है, थोड़ा सा डैमेज दे दिए हैं, लेकिन यार हमारा टीममेट इतना निर्लज्ज है साला, हमारे सपनों पे पानी फेर दिया यार, उसको मार दिया बेचारे को, और हम इधर इतने मासूमियत से अपना उछाल रहे थे, नहीं मतलब उछल रहे थे गाइज, और तभी साले ने उसको मार दिया और हमको चिकन डिनर मिल गया। तो गाइज यार पिछले मैच में चिकन डिनर मिल गया था, खुशी खुशी हमने एक मैच और स्टार्ट कर दिया। और गाइज इस मैच में भी यार आधा सर्वर मरने के बाद हमारा 2 ही किल है, हालांकि हमने हॉट ड्रॉप किया था झरकी पे लेकिन फिर भी वहां पे कोई आया ही नहीं था। और गाइज फाइनली हमको यहां पे एक बंदा मिल जाता है, लेकिन यार यहां पे बहुत लंबी फाइट चलती है इस एक बंदे से, नहीं यार असल में हमने लूटने में थोड़ा देरी कर दी तो यार दूसरी स्क्वाड आ गई थी। अभी देखो ये भाई सब हमको देख के भाग रहे थे, लेकिन इन्होंने जाते जाते एक पुण्य का काम कर दिया, मतलब एक बोट का किल हमको दे दिया। उनको लगा ये सीधा फिनिश हो जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था अगर वो इसको फिनिश करते तो भाई साहब खुद फिनिश हो सकते थे। अब भाई साहब हमको यहाँ पे 2 किल फ्री के मिल गए, बोट के ही है बात अलग है वो, लेकिन यार किल इतने मिलते हैं फिर भी मेरी KD 1.5-2 की है यार, पता नहीं कोई ग्लिच है लगता है। खैर छोड़ो वो BGMI वालों की प्रॉब्लम है। अब गाइज हम मस्त जोनाथन वाला जिगल दे के उस पे रस कर रहे थे, लेकिन यार हमारा कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे नॉक हो गए। बाकी वो भी BGMI वालों की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, वो मेरा सेंसिटिविटी थोड़ा गड़बड़ा गई है। सेंसिटिविटी से याद आया यार, कई लोग कमेंट में सेंसिटिविटी कोड मांग रहे थे, तो मैं यार उसका डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगा, तो आप लोग इसमें चेप लेना मतलब कॉपी कर लेना। लेकिन गाइज रुको, अभी आप हमारी पेटी मतलब रिफ्लेक्स देख के जाओ, वो एक बार पेटी बनते बनते बच गई। अब गाइज आपने तो हमारा क्लच और रिफ्लेक्स सब कुछ देख ही लिया होगा, हम आपको अपनी अब पेटी दिखा देते हैं लास्ट में जाते जाते। अब भाई साहब हम यहाँ पे मजे में लूट ही रहे होते हैं और ड्रॉप का अपने इंतजार कर रहे थे, और तभी भाई साहब बिना साउंड के हमको एक स्प्रे पड़ता है अपार्टमेंट से। भाई साहब एक बंदे ने एक फायर तक नहीं किया और हम नॉक हो गए, ये भाई साहब थे हैकर। खैर छोड़ो यार अब क्या बताएं इनको। और हाँ अगर आपको मेरी पेटी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी होगी क्योंकि चमक तो रही थी।